अक्सर बीजेपी पर बोलने वाली सहयोगी पार्टी शिवसेना ने आज एक बार फिर उस पर निशाना साधा है। पार्टी ने पीएम मोदी की नाकामियां गिनाने के साथ साथ महागठबंधन को सराहा। शिवसेना ने बीजेपी की हार की भविष्यवाणी करने के साथ कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 लोकसभा चुनाव में नोटबंदी जैसा झटका लगेगा। आगामी चुनाव से पहले जहां विपक्ष की ताकत मजबूत हो रही है, तो वहीं बीजेपी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि उसके सहयोगी अपनी कामयाबी गिनवाने के बजाय प्रस्तावित गठबंधन का गुणगान कर रहे हैं। शिवसेना ने आज महागठबंधन की तारीफ करते हुए बीजेपी की हार की भविष्यवाणी की। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में गठबंधन से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर एक बड़ी बाधा आ गई है। राजनीतिक पंडित पहले ही अनुमान जता चुके हैं कि अगले संसदीय चुनाव में उत्तर प्रदेश का गणित 2014 के मुकाबले पलट सकता है। ऐसी ही खबरें बिहार से भी हैं, जहां कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल अन्य दलों के साथ मिलकर गठबंधन बना रहे हैं। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के मजबूत संकेत दिखाई दे रहे हैं। पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लगभग सभी राज्यों में चुनावी हवा विपक्षी गठबंधन के पक्ष में बह रही है और पिछले 1.5 साल से लोगों ने अपना मन बदल लिया है कि वो बीजेपी को एक तगड़ा झटका देंगे। हमें लगता है कि 2019 में बीजेपी को नोटबंदी जैसा झटका मिलेगा। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में शिवसेना अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में उसका विपक्षियों की तारीफ करना इस ओर इशारा कर रहा है कि वो भी महागठबंधन में शामिल हो सकती है। खैर, ये तो चुनाव के समय ही पता चलेगा कि कौन किसका साथी बनता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।